हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एस एस पी जो चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के थ्रू जो है Uh, वो आपका जो नर्सिंग एग्जाम की प्रेपरेशंस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से या अभी जो कर रहे हैं uh, उनकी uh, काफ़ी अच्छे कंटेंट जो है वो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको इसके ऊपर सॉल्व करवाऊँगी uh, सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं विज्ञाटिक नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मिडवाइफ्री ऑब्सटेटिक गाइनाकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल अनोटमी साइकोलॉजी सोशो सोशोलॉजी ईच एंड एवरी जो स्पेक्ट है नर्सिंग का वो इसमें हम कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एम सी क्यूस ही डिस्कस यहां पर नहीं किए जाएंगे जो भी एम सी क्यूज के साथ जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो भी आपको यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिलेगा कॉन्टेंट के साथ जो कि आपके लिए um, एक ओवरऑल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा सो दैट जब भी आप एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएँ और वहां पर जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपको हर एक परस्पेक्टिव से उसकी नॉलेज हो और उसको आप अच्छे से अटैप्ट कर सकें और पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करवाए जाएंगे गेट रेडी टू अचीव योर गोल टू क्लियर योर एग्जाम सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग इंक्लूड्स ठीक है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो प्लेग है वो कौन सा है इनमें से ब्यूबॉनिक न्यूमोनिक सेप्टीसेमिक और ऑल ठीक है तो जो मोस्ट कॉमन है वैसे तो ये सभी टाइप ऑफ प्लेग में आता है ठीक है ब्यूबॉनिक न्यूमोनिक सेप्टिसेमिक सभी हैं ये टाइप्स ऑफ प्लेग बट मोस्ट कॉमन कौन सा है सो द राइट आंसर इज ब्यूबॉनिक ठीक है अब ये क्या है मैं विद पिक्चर डिस्क्रिप्शन से आपको बताऊंगी ठीक right right है राइट नाउ द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्यूबॉनिक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेग इंक्लूड्स ठीक है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं प्लेग के फीवर चिल्स हैड एक सेकेंड ऑप्शन हमारे पास पेनफुल लिम्फे लिम्फेडनाइटिस एंड सी ऑप्शन एंड लास्ट टेंडर लिम्फ नोड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ठीक ये तो सभी को पता होगा जो प्लेग है वो हमारे पास इसका कॉजटिव ऑर्गेनिजम क्या है जो कॉन्टिन्यूसली मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं उन्हें क्लियर होगा क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लेग कालाजार येलो फीवर क्यू फीवर सबके बताए हैं ठीक है सो मैं जिन्होंने नहीं सुना है उनकी रिमेमरस के लिए मैं बता दूँ द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर प्लेग इज ये कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये एक स्मॉल छोटा सा एक इंसेक्ट होता है एक इंसेक्ट की बॉडी में ये होता है ठीक है उसके काटने से ये जो इंसेक्ट है, ये किसी की बॉडी से किसी मैमल की बॉडी से अगर चिपक जाता है तो वो जहाँ जहाँ वो मैमल जाएगा तो उसको भी कैरी करता हुआ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ही होता है दिस इज द कॉज ऑर्गेनिज्म और फिर जो है वो इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करके उसको जो है वो कंडीशन कॉज कर दें दैट इज़ द प्लेग तो क्लिनिकल फीचर यहाँ पर क्या है ऑल ऑफ द अबव ठीक है ये सभी जो है वो क्लिनिकल फीचर हैं प्लेग के फीवर चिल्स हैड एक ठीक है पेनफुल पेनफुल्फ हेडेनाइटिस एंड एन लार्ज टैंडर लिंफ नोड ये सभी इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं प्लेग के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बिबोस अभी क्वेश्चन में भी आया था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग में बिबोनिक सो so वही वर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है मीनिंग ऑफ बिबोस बिबोस क्या है ऑप्शन है हमारे पास एन लार्ज टैंडर लिंफ नोड एंड लास्ट बोन्स एंड लास्ट टेंडर आर्ट्रीज एंड टेंडर मसल्स सो द राइट आंसर इज एंड लास्ट टेंडर लिम्फ नोट्स ठीक है अभी मैं आपको उसका बताती हूँ आप यहाँ पर देखिए प्लेग क्या है इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर मैमल्स इट इज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम इस्टीनिया पेस्टिस ठीक है अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास वो बैक्टीरिया ठीक है और ये इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में जाता है और ऐसे ही ये रेड से और ये ये जो हमारे पास बेसिकली एक इंसेक्ट होता है ये जो है वो रेड की बॉडी के साथ जाके स्टक हो जाता है फिर जहाँ जहाँ रेड जाएगा इसको वो स्प्रेड करता हुआ जाता है ठीक है क्या है इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है प्लेग की क्लासिफिकेशन में हमारे पास आएगा बिबोनिक प्लेग सेप्टिसेमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग ठीक है एक साथ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बिबोनिक क्या है बिबोनिक जो है वो इंडिकेट करते हैं हमारे पास लिम्फ नोड्स को स्वेलिंग स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स इज नोन एज बिबोस यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज बिबोस ठीक है तो जब स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स की ठीक है तो उसे हम कहते हैं बिबोस कंडीशन जो इसका प्लेग है ठीक है तो उस टाइप का जो प्लेग है उसे हम कहेंगे बिबोनिक प्लेग ठीक है इसमें जो फीवर होगा है डेक ठीक है नोजिया वॉमिटिंग जॉइंट्स में पेन एक ही सब होता है बट मेन जो उसका फीचर है वो यही रहेगा कि जो जो जु नोड्स हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास uh, सेप्टिसेमिक प्लेक सेप्टिसेमिया मीन्स इन ब्लड ठीक है तो ये मोस्ट रेयर फॉर्म है इन तीनों में और जिसका मॉटिलिटी रेट है वो ज़्यादा है इवन टूडे देर इज़ नो ट्रीटमेंट इसका असर कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिम्टम्स जो है वो हाई फीवर एंड स्किन टर्निंग डीप शेड्स ऑफ पर्पल जैसे इसके आप हाथ यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हो जाता है ठीक है और विक्टिम जो है वो डाई हो जाता है मीन्स जो ये हमारे पास स्ट्रीनियम बेस्टिस है जो ये हमारे पास जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये ब्लड तक अपना मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देता है तो ब्लड में हो गया तो उसको हम बोलेंगे सैप्लीसीमिक प्लेक ठीक है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास न्यूमोनिक प्लेक न्यूमोनिक नेम ही इंडिकेट करता है कि निमोनिया मीन्स लंग्स को आपके वो अटैक करने वाले लंग्स पे वो अफेक्ट करेगा जिससे आपका रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे कफ हेमापोटाइसिस डिसमिया चेस्ट पेन ये सभी ठीक है सो तो दीज आर द फोर सॉरी दीज आर द थ्री क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स हैं हमारे पास प्लेग की और जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारे पास ब्यूबोनिक ठीक है और सेप्टिसिमिक और न्यूमोनिक के बारे में पूछेंगे तो वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया है ठीक है तो ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन था आर एंड लास्ट लिम्फ नोड्स ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कॉप्लिक स्पॉट्स विच आर द करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स ऑफ मीजल्स आर सीन यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि कॉप्लिक स्पॉट जो है वो मीजल्स के करेक्ट्रिस्टिक फीचर है बट सम टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि uh, जैसे क्वेश्चन होगा कि विच इज द प्रैक्टिसिकीजल फिर ऑप्शन में दिया होगा दिस 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 तो उसमें एक कॉपलिक स्पॉट भी होगा तो कॉप्लिक स्पॉट जो है दैट इज द प्रैक्टिसिकीजल इंपॉर्टेंट है होता क्या है वो मैं आपको विदेश प्रॉपरली बताऊंगी बट अभी क्या पूछ रहे हैं कॉपलिक्सपॉट विच आर द फीचर ऑफ मीजल्स आर सीन इन मीजल्स की स्टेजिज होती हैं इरापटिवेज स्टेज होती है कन्वर्जेंट स्पेज स्टेज होती है प्रोडॉर्मल होती, uh, होती है फिर उसके पोस्ट मीजल जो स्टेज होती है ठीक है तो इसमें से कौन सी स्टेज पर ये देखने को मिलेगा वो यहाँ पर पूछा गया है तो हमारे पास ऑप्शन हैं एडाप्टिव स्टेज कन्वर्जेंट स्टेज प्रोड्रामल स्टेज एंड पोस्ट कन्वर्जेंट स्टेज इसको हम मीजल स्टेज भी कहते हैं आ, ये अब मेजर्स की स्टेज और पोस्ट मेजर स्टेज ठीक है सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोड्रामल स्टेज ठीक है तो प्रोड्रामल स्टेज जो है उसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है अभी होते क्या है आपको बताऊंगी पहले हम इसकी स्टेजेस देखते हैं प्रोड्रॉमल स्टेज हमारे पास फर्स्ट स्टेज की आएगी इट बिगनस टेन डेज आफ्टर इन्फेक्शन जैसे किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसका जैसे नेजल का इन्फेक्शन हुआ तो टेन डेज के बाद जो है ये स्टेज शुरू हो जाएगी और अनटिल फोर्टीन डे तक ये रहती है और इसमें जो है वो फीवर देखने को मिलेगा नेज़ल डिस्चार्ज नेजिंग कफ रेडनेस आइज़ में ठीक है ये सब देखने को मिलेगा और वॉमिटिंग डायरिया भी होता है और कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे अपीयर्स ऑन अ डे उस दिन पे भी और टू डेज पहले भी ऑन द अपियर ऑफ द रैशिज ठीक है तो रैशेज के अपेयर होने वाले सेम डे पर भी आपको एक ऑप्लिक स्पॉट देखने को मिल सकते हैं या उससे दो दिन पहले भी देखने को मिल सकते हैं जैसे हमारे पास नमक के दाने होते हैं जो क्रिस्टल हैं हमारे पास नमक के ठीक बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे देखने को आपको मिलेंगे इन द पक्कल मिकोजा तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके इस पिक्चर में इंडिकेट किया है ये कॉप्लिक्स स्पॉट यहाँ पर और ये एरोज जैसे लगाए गए हैं तो आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो मैं इसको इंडिकेट नहीं करूँगी अदरवाइज वो आपको फिर यहाँ से दिखेगा नहीं तो आप इस सर्कल में देखिए आपको वाइट वाइट स्मॉल स्मॉल डॉट्स देखने को मिल रहे हैं सो दीज़ आर द काप्लेक्स स्पॉट ठीक है दे आर स्मॉल हैं और ब्लूश और वाइटिश कलर के होते हैं रेड बेस पे आप ये दिख जाएंगे स्मॉलर देन द हेड ऑफ अ पिन इतने छोटे छोटे होते हैं ये ठीक है so, सो दीज आर द दॉपलिक स्पॉट्स नेक्स्ट हमारे पास होती है इरप्टिव फेज तो इसमें जो है वो हमारे पास रैशिज uh, इरप्ट होके निकलते हैं बॉडी पे और बिगन बिहाइंड द ईयर ठीक है उसके कान के पीछे से और फोर हेड पर आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे फिर धीरे धीरे बॉडी पे दिखना शुरू हो जाएंगे अप टू द एक्सट्रीमिटीज तक प्रोग्रेस करते हैं ठीक है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजोस में सबसे पहले जो हैं वो रैशेज़ कहाँ पर अपीयर होते हैं सो so, वो हमारे पास होते हैं फोर हेड और बिहाइंड द ईयर अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन क्या दी है उसके हिसाब से आप उसको टिक करोगे क्वेश्चन को ठीक है सो so, uh, कॉम्प्ली इसमें जो है वो कॉम्प्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है फिर धीरे धीरे जो है वो डिसअपियर भी होना शुरू हो जाएंगे जैसे वो अपेयर हो तो डिसअपियर भी होना शुरू हो जाएंगे रैशेज़ जो है वो फेड होना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद और वो ब्राउनिश डिसकलरेशन के हो जाते हैं ठीक है कुछ टाइम के बाद पोस्ट मेजर स्टेज हमारे पास होती है जिसमें जो है वो बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका होता है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है फॉर द नंबर ऑफ डेज के लिए ठीक है तो अभी जितना उसकी कंडीशन डिटेरिट हुई है ठीक है उस सबको सेटल डाउन होने के लिए वापस उसको अपनी कंडीशन में आने के लिए टाइम लगता है बट इतना बच्चा वीक हो जाता है कि उसका जो है वो इतना इम्यूनिटी उसकी वीक हो जाती है कि द चाइल्ड इज़ मोर ससेप्टिबल टू द अदर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उसको वो हो सकते हैं कैरी कर सकता है वो ठीक है तो उन सब चीज़ों का भी हम इसमें ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ़ बी सी जी वैक्सीन इज बी सी जी वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कौन कौन से हम जो है वो कोल्ड चेन में कौन कौन से वे से जो है हम कौन कौन से इक्विपमेंट से जो है वो हम मैंटेन uh, करते हैं कोल्ड चेन को कैसे जो है वो हम वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं इन द प्रॉपर टेम्परेचर वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ जिन्होंने नहीं अटेंड किए हैं वो जाके सुन सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई गई हैं ठीक है विथ पिक्चर्स uh, आपको क्लियर किया गया है ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स ही बताए जा रहे हैं ये सिंपल में आंसर्स के डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं विद पिक्चर्स मेरा मेन मोटिव है कि जो भी चीज़ है वो आपको जितना हो सके उतना चीज़ें आपको दिखाई जा सके ताकि जब आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में तो ऑप्शन हर एक ऑप्शन के बारे में आप इतने श्योर हों कि नहीं ये ये चीज़ थी ये ये चीज़ थी ये, 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 ये ऐसा था तो वो हर एक चीज़ आपको आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए और वो तभी दिखेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी अगर सिर्फ मैं आपको सुनाती रहूँगी तो फिर आपको उसका वो फिर कानों में कुछ ही चीज़ें सुनाई देती हैं जो देखेंगे वो ज़्यादा याद रहता है ठीक है तो जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो आप सब उनको सुनिए और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए सो तो, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस से स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ़ बी सी जी वैक्सीन इज ऑप्शन है हमारे पास ए टू टेन डिग्री सेल्सियस नाइनटीन टू ट्वेल्व एंड टू टू एट एंड सिक्स टू इलेवन तो द राइट आंसर इज टू टू एट डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हम स्टोरेज uh, करते हैं बी सी जी वैक्सीन को ठीक है नेक्स्ट चलते हैं द एल डी हाई टेस्ट ऑफ़ नेपर इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एल डी हाई टेस्ट ऑफ नेपर ठीक है वैसे तो हम एल डी सिर्फ अगर ये नेपर इंडिकेट करता है बता देगा आपको कि कौन सी कंडीशन में यूज़ किया जाता है अदरवाइज़ एल डी हाई तो सोल्यूशन है उसको तो हम और भी वेरियस टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो एल डी हाई टेस्ट और ऑफ़ नेपर जब आएगा तो वो आपको डायग्नोज करने में हेल्प करेगा किसी एक कंडीशन को तो वो कौन सी कंडीशन है वो हमें बताना है ऑप्शनस हैं मीजल्स डेंगू कालाजार आज़ार एंड निमोनिया सो द राइट आंसर इज काला आज़ार ठीक है सो विच इज़ कॉज बाय द ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास जो है लेशमेनिया ऑर्गेनिज्म की वजह से ये कॉज किया जाता है ठीक है सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नैपर के बारे में सिंपल uh, टेस्ट है नेपर इज़ अ सिंपल टेस्ट और इसमें क्या करते हैं uh, काला आजार uh, के uh, को डायग्नोज करने के लिए हम इसको uh, करेंगे नेपर टेस्ट को वन टू टू एम एल ऑफ़ जो सीरम होता है जो इंडिविजुअल है जिसको काला आज़ार का हमें डिटेक्ट करना है उसके केस का वन टू टू एम एल ऑफ़ सीरम हम लेंगे और उसमें अ ड्रॉप और टू टू फोर्टी परसेंट uh, फॉर्मेलिन uh, उसमें ऐड करेंगे और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो वो जो सॉल्यूशन जो हमारे पास बन के आता है वो उसका जेलिफिकेशन uh, हो जाएगी जैसे कि मिल्क uh, का हो जाता है जैसे कि बॉयल एग हम करेंगे तो उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है कुछ उस तरीके से वो हमें देखने को मिलेगा एंड दैट इंडिकेट कि ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है और पेशेंट को जो है वो काला आज़ार है ठीक है तो इस तरीके से वो इंडिकेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज एज अ फर्टिलाइज फॉर्म आपसे पूछा गया है ठीक है ये मैंने मैंशन कर दिया यहाँ पे अदरवाइज ये मैंशन ना भी किया हो तो फिर आप ऑप्शन देख के वो कर सकते हैं बट मैंने मैंशन किया है लाइफ स्पेन ऑफ ओवम इज़ अना फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज ठीक है कि ओवम है जो ओवरी से रिलीज हो रहा रिलीज हुआ है ठीक है अभी वो कितना टाइम तक जो है वो अगर स्पर्म आता है ठीक है तो उसको फर्टिलाइज कर सकता है ठीक है अगर स्पर्म की प्रेजेंस वहाँ पर नहीं हुई तो फिर वो फर्टिलाइज़ नहीं होगा तो फिर वो आ, कुछ एक टाइम के बाद जो है मैंस्ट्रल मैंस्ट्रेशन की साइकिल के फ्लो में बॉडी से बाहर निकल जाएगा ठीक है तो उसी फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सो so, ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर आवर्स देन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स एंड फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स सो द राइट आंसर इज सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है तो अगर जो है वो ओवरी से जो है वो हमारे पास ओवम रिलीज़ हुआ है ठीक है तो वो यहाँ पर वेट करता है फॉर सिक्सटीन टू ट्वेंटी फ़ोर आवर्स के लिए उसके फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है अगर वो उस टाइम पे स्पर्म से फ़र्टिलाइज हो जाता है तो फिर वो आगे चल के जो है उसकी फ़र्टिलाइजेशन होगी देन वो एम्ब्रियो देन साइकोड वो इम्प्लांटेशन वो सब बेबी की फॉर्म में फीटस की फॉर्म में वहाँ पर बन जाएगा अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो में बॉडी से शेड ऑफ़ हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम अभी हम स्पर्म की बात करेंगे लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज एज अ फर्टिलाइज फॉर्म सो देर आर ऑप्शन आर सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स सिक्सटीन टू ट्वेल्व आवर्स एंड फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स ठीक है तो ये हमारे पास जो स्पर्म का जो एक फर्टिलाइज फॉर्म का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स ठीक है अभी जो है अगर फीमेल की बॉडी में जो है स्पर्म uh, एंटर हो चुका है ठीक है तो वो उसकी बॉडी में जो है नियर अबाउट फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स तक उस स्पर्म की इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर उस टाइम के अंदर इतना टाइम पीरियड के अंदर जो है वो अगर कोई एग रिलीज होता है तो वो उसको फर्टिलाइज कर सकता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम क्लेमाइडिया ट्रैकोमेट एंड हीमोफिलस पैलिडम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ठीक है सो द राइट आंसर इज़ क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस ठीक है तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इन डिटेल बताया भी था पहले पिक्चर्स की हेल्प से कि ट्रैकोमा जो है वो हमारे पास एक आई का इन्फेक्शन है ठीक है जिसमें परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है ठीक है तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेडाइटिस जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है और जो पेशेंट की जो आइज़ होती हैं जो ये हमारा जो अपर आई के अंदर से जो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है Uh, एक तरीके से इन्फेक्शन uh, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है और रेपिटली अगर वो बार बार होता है तो पर्सन का जो हमारे पास जैसे किसी की आईज हैं ठीक है तो ये जो आई लेशेज़ हैं ये हमारे पास ठीक है तो ये भी नीचे की तरफ स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं और उसको पूरा कवर करना शुरू हो जाता है और ये जो है उसका प्रॉपर्ली ब्लाइंडनेस हो जाता है पेशेंट का तो वो नहीं देख पाते हैं ठीक है इन केस ऑफ ट्रैकोमा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेटनस इज़ करैक्टराइज बाय टेटनस के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं ठीक है और वो डिफरेंट डिफरेंट वे से तो अभी तक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं सुन रहे हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी और वो उसको कर भी पाएंगे ठीक so, है सो ऑप्शन है हमारे पास मस रिजिडिटी पेनफुल प्रोक्सिज्मल स्पाजम ऑफेंट्री मसल्स एंड लॉक जॉ एंड ऑल ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑल ऑल ऑफ दीज आर द करक्टरस्टिक्स ऑफ टेटनस ठीक है तो मसकल एसिडिटी भी होती है और उसमें जो है वो हमारे अप्रॉक्सिमस जो मसल्स हैं उनका भी स्पेजम होता है यहाँ पर ठीक है और लॉ जॉक भी हो जाता है तो वो लॉक जॉ भी होता है यहाँ पर जिसको हम ट्रिसमस भी कहते हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो टेटनस में आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिसमस जिसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं एंड रॉइस सार्डिनिकल्स एंड ऑपिस्थोनस आर द फीचर्स ऑफ किसके फीचर्स हैं ये यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो आप ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना सार्डोनिकस ठीक है सार्डोनिकस जो है राइसर सार्डोनिकस कंडीशन है हमारे पास और अपिस्थोटोनस है क्रिसमस है ये सभी जो है वो किसके फीचर्स हैं सब पूछा गया है ऑप्शन है हमारे पास टैटनस देन डिप्थीरिया देन प्लेग एंड क्यू फीवर ठीक है तो अभी क्वेश्चन भी प्रीवियस था थोड़ा आपको आइडिया भी लगा होगा ठीक सो द राइट आंसर इज टाइटनस टाइटनस में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं अभी ये क्या है सिंगल सिंगल चीज ये क्या है Rises, साड, और uh, क्या है वट ऑफ ऑल दीज दीजी क्या है ये वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और पिक्चर्स की हेल्प से मैं आपको बताती जाऊँगी तो वीडियो को कम्प्लीट सुने और देखते रहे नेक्स्ट है हमारे पास पेनफुल प्रोजिज्मल्स पाजम ऑफ द वलेंट्री मसल्स ऑफ मैस्टर्स इज़ नोन एज ठीक है तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर लिखा गया है वलेंट्री uh, मसल्स का स्पाजम तो हो रहा है और कौन से मसल्स uh, का मैस्टर्स मसल्स का सो so, उसको हम क्या कहेंगे ऑप्शन हमारे पास ट्रेसमस राइसस सार्डोनिक्स एंड ऑपिस्थोनस एंड और सो द राइट आंसर ये मैंने पहले भी बताया हुआ है uh, किसी और वे में क्वेश्चन था ठीक है सो ये जो मसल्स होते हैं वो हमारे मेस्टिकेशन में हेल्प करती हैं ठीक है थीके? किस में हेल्प करती हैं मेस्टिकेशन प्रोसेस ठीक है जब हम माउथ में फूड डालते हैं उसको तो चबाते हैं ना च्यू करते हैं दैट इज़ अ मेस्टिकेशन प्रोसेस तो उसमें हेल्प करती हैं तो जब वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पे स्पाजम होना शुरू हो जाएगा तो दैट कंडीशन इज नोन एज ट्रिसमस अब ये देखने में कैसा होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज ट्रिसमस यहाँ पर हैं वो आपकी जो मसल्स हैं जो मेस्टिकेशन में हेल्प करती हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है उनका स्पाजम हो जाता है और एक पर्सन जो है प्रॉपर्ली अपना माउथ भी ओपन नहीं कर पाते हैं ठीक है तो यहाँ पिक्चर्स पे आपको दिखाया गया है कि अगर आप ये अपनी थ्री फिंगर्स किसी के माउथ में डालने की कोशिश करेंगे तो उतना भी अपना माउथ ओपन करेगा तो उसको बहुत पेन होता है ठीक है पेनफुल होता है ये बहुत ठीक so, है सो दिस इज द इंडिकेशन फॉर ट्रिसमस नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पेनफुल प्रोक्सिज्मल स्पाजम ऑफ वलेंट्री मसल ऑफ फेस ठीक है पहले जो था वो मैस्टर्स मसल की बात हो रही थी यहाँ पे जो मसल ऑफ फेस की बात हो रही है कि वहां पर जो है वो वो uh, मसल का जो है वो हो चुका है फेस की मसल का अब हम क्या कहेंगे साडोनिकस या क्रिसमस या ऑल द राइट right आंसर इज राइस साडोनिकस ठीक है तो पर्पज क्या है ये सब क्वेश्चन एक साथ आपको डालने का ताकि आप इनको याद रख सके ठीक है यहाँ पे देखिए आप इस पिक्चर में यह है पिक्चर तो कुछ इस तरीके से जो है वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन जो पेशेंट शो करता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए एडल्ट का है सॉरी ये एडल्ट का है और ये बच्चे का है तो आप देख सकते हैं कैसे फेस के एक्सप्रेशन ये बना रहे हैं नेक्स्ट चलते हैं पेनफुल प्रोक्सिज्मल स्पाजम ऑफ वॉलेंट्री मसल्स ऑफ बैक एंड नेक अभी कहाँ की मसल्स आ गई बैक और नेक की अभी वहाँ पर स्पाजम हो रहा है तो अब उसको हम क्या कहेंगे ऑप्शन है हमारे पास ट्रिसमस राइसस सार्डोनिकस ऑपिस्थोनस एंड ऑल क्वाइट ऑबियस है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ अभी आपको इसका आंसर भी समझ में आ चुका होगा सो द राइट आंसर इज ऑपिस्थोनस ठीक है सो ये कैसी कंडीशन है इसमें कैसा जो है वो अपेयरेंस होगी तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो पेशेंट ने अपनी लेग्स को ऐसे किया हुआ है उसकी बॉडी बैंड कर दी है अपने फीट्स को ऐसे टर्न कर दिया है अपने हैंड्स को देखो ठीक है ये तो एडल्ट का पिक्चर ऐसे दिखाया गया आप बच्चे को देख सकते हो कैसे उसके पेरेंट्स ने जो भी कहे गए उन्होंने होल्ड किया है तो उसने नेक भी अपना बैंड बैंड कर लिया फ़िट भी और आर्म्स को भी देखिए देखिए पूरा कैसे वो कर्व कर रहा है ठीक है सो दिस इज़ द और जैसे ये यहाँ पर पिक्चर पे दिखाया गया है कि किसी को मींस जो टेटनस के जो जैसे कोई कील है या कोई भी लोहे की चीज जिस किसी को लगते हैं ठीक है थेके? तो उसमें जो स्पो यूजली क्या होते हैं ये हमारे पास जो क्लॉस्ट्रीडियम स्टेडियम है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स में से प्रेजेंट होता है किसी चीज़ के तभी कहते हैं ना कोई जंग लगा हुआ लोहा सुना होगा आपने कि जंग लगा हुआ लोहा तो बहुत ही डेंजरस है अभी तो बहुत अभी हमें इमिडिएटली टेटनस का इंजेक्शन तो लगता ही है ठीक है तो जंग लगा हुआ क्या जंग क्या मीन्स वहाँ पर स्पोर्ट्स हैं उस चीज़ के ठीक है ये देखो ऐसे और ये फिर किसी की बॉडी में एक बार एंटर होना चाहिए और उसका कभी होता है पता भी ना चले तो फिर दिस इज़ द कंडीशन ठीक है और बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टैटनस मैंने अभी बता दिया आपको ठीक so, है सो ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टेमिनेशन ऑफ वूंद विद टैटनस पोर्स कॉन्टेमिनेटेड वाटर कॉन्टेमिनेटेड फूड या ऑल तो क्लियर हो चुका है मैंने अभी बता दिया तो द राइट आंसर इज कॉन्टामिनेशन ऑफ वूं विथ टैटनस स्पोर्स कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई और वूड है जैसे कोई है आपको सॉरी जैसे किसी को भी कहीं पे चोट लगी है हाथ पे पैर पे, कहीं पे भी चोट लगी है ठीक है तो उसके ड्रेसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं या ओपन छोड़ा है कुछ भी तो वो भी किसी के किसी ऐसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आ गया ठीक है जहाँ जो किसी टैटनस स्पोर्ट जहाँ पे थे तो वो उस वूड के थ्रू भी एंटर कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लैप्ट्रोसी में बी ट्रांसमिटेड बाय ठीक है अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास लैप्रोसी की बात आ चुकी है अभी टाइटनेस को अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए निकालें और लैप्रोसी के बारे में बात करते हैं लैप्रोसी को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है अभी अगर मैं आपसे पूछूं जो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर सुन रहे हैं कि हम जो है वो लैप्रोसी का क्या पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है सो द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर लैप्रोसी इज माइको बैक्टेरियम ठीक है तो ये क्या है माइक्रो बैक्टेरियम लैपरे

डेज ठीक है सो द राइट आंसर इज थ्री टू फाइव ईयर्स ठीक है तो बहुत लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है बहुत टाइम तक चलता है तो उसका इनक्यूबेशन पीरियड भी उतना ही है ठीक है थ्री टू फाइव ईयरस नेक्स्ट है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ टैटनस तो अभी अगेन टैटनस का भी पूछ लेते हैं आपसे इनक्यूबेशन पीरियड जब इतना डिस्कस किया तो ये भी देख लेते हैं ठीक है सोश ऑप्शन क्या है हमारे पास थ्री टू फाइव ईयर सिक्स टू टेन डेज फोर्टी फाइव टू वन एटी डेज एंड टू टू सिक्स डेज सो द राइट आंसर इज सिक्स टू टेन डेज ठीक है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एम डी टी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किस कंडीशन केसेस में जो है वो हम एम डी टी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो हम यूज करते हैं कौन सी कंडीशन में ट्यूबर क्लॉसिस लैप्रोसी डिफेरिया एंड मलेरिया सो द राइट आंसर इज लेप्रोसी, so right लेप्रोसी ठीक है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती देते इस पिक्चर की हेल्प से इन डिटेल अगर वैसे तो ये बहुत अ, मतलब इसकी भी वेरियस टाइप्स होती हैं हमारे पास ठीक है Uh, ये जो है uh, ये एडल्ट अडल्टोज़ का एक मैंने चा पिक्चर कहीं ये आपके लिए डाला हुआ है ठीक है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है बट ये भी डिफरेंट डिफरेंट होता है टाइप्स uh, ऑफ uh, जो स्किन लेजन कितने हैं उससे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे हमारे पास बोलते हैं प्यूसी बेस, uh, प्यूसी बेसलरी सिंगल लेजन लेप्रोसी होता है ठीक है फिर प्यूसी बेसलरी लेप्रोसी होता है फिर मल्टी बेसलरी लेप्रोसी होते हैं ठीक है थेके? तो ये जो है ये मल्टी uh, बेसलरी लेप्रोसी का मैंने इमेज डाली है उसके ड्रग का एक आपको यहाँ पे मैंने इमेज डाली है अगर आपको इसका इन डिटेल चाहिए होगा डिफरेंट डिफरेंट लैप्रोसिक का जो अलग अलग से जो क्लासिफिकेशन है उनमें कैसे कैसा हम करेंगे अडल्ट में कैसे डोजेस देंगे और चिल्ड्रन में कैसे देंगे तो वो भी मैं आपके लिए अलग से बना दूंगी ठीक है तो ये क्योंकि क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए तो मैं इसको आपको इन शॉर्ट यहाँ पे जल्दी से बता देती हूँ आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको यूजुअली मिल भी जाएंगे ऐसी इमेजेस कहीं पर भी ठीक है ये बहुत ही इजी है ये जो ये वाला पिक्चर आप देख सकते हैं ये फ्रंट का व्यू है ठीक है और ये जो नीचे वाला है ये बैक साइड से है ताकि किसी मतलब जो भी इंडिव्यू को समझ में आए कि हम कैसे मेडिसिन लेंगे जैसे ये डेज़ के यहाँ पे नंबर्स डाले हैं तो ऐसे ऐसे हम लेंगे इनको ठीक है और ये जो बैक साइड से है यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया है नंबर ऑफ ये जो ड्रग्स हैं टू तो टू ट्वेंटी एट तक यहाँ पर इंडिकेट किया गया है और ऊपर से मैंशन किया है यहाँ पर देखिए आप जैसे सी लिखा है सी सॉरी मैं इसको यहाँ से कट कर, कर दूँ जैसे लिखे यहाँ पे सी ठीक है तो यहाँ पर जो सी है दैट इंडिकेटिंग द क्लोफामीजीन ठीक है क्लोफामीजीन इंडिकेट किया और हंड्रेड क्या इंडिकेट करता है हंड्रेड एम ठीक है तो ये मंथली सुपरवाइज डोज है और जो हमारे पास ये नेक्स्ट है आर से जो इंडिकेट किया गया है ये है हमारे पास टू कैप्सूल्स हैं यहाँ पर थ्री हंड्रेड एम के ठीक है तो ये भी हम यहाँ पे देंगे और uh, ये जो है हमारे पास एक डी स्मॉल सा लिखा गया है ये डैपसोन का है ठीक है तो ये भी हम जो है वो पेशेंट को देंगे और ये जो बाकी जो ड्रग्स हैं ये जो ये आप यहाँ पे ये जो आपको ये दिखेगा ठीक है तो ये जो ड्रग्स हैं uh, ये हमारे पास जो है टू टू ट्वेंटी एट रिप्रजेंट करता है फोर वीक्स अनसुपरवाइज जो है वो क्लोफामिजीन ले सकता है पर्सन फिफ्टी एम जी एवरी डे एंड डैपसोन हंड्रेड एम जी डेली ये डेली जाएगा ठीक है तो ये हैं और जो उप, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है ये हम इसको ये कट हो जाता है रिमूव हो जाती है तो इसको सुपरविज़न में देना है तो वो अपने पास अपने सब सेंटर में रख सकते हैं बाकी जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं तो वो डेली लेता रहेगा और जो सुपरविज़न में देनी है वो हम अलग से दे सकते हैं ठीक है आई होप आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगा होगा हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट द ड्रग यूज इन मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इज़ ठीक है तो लेपरोसिव की बात हो रही है उसमें हमने मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट को uh, देना है ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो इसमें दी जाएंगी कौन सी ड्रग इसमें आती हैं ऑप्शन है हमारे पास रिफाम्पिसीन डेप्सोन क्लोफाजीमीन एंड ऑल सो अभी आपको मैंने दिखाया ठीक है तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि सभी इसकी uh, जो ड्रग्स मैंने वहाँ पर बताई आपको रिफाम्पिसिन आपने देखा डेप्सोन देखा ठीक है uh, क्लोफाजीमीन देखा सो द राइट आंसर इज़ और ये सभी जो है वो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट में जो है वो लेप्रोसी में दी जाती हैं ठीक है so, तो यही था आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे आ, ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एस एस पी और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चन थैंक यू